मक्खन चुराते थे या दही मांगते थे, अनेक प्रकार की लीला करते थे, तो बड़े अच्छे लगते थे। अब ये भवन देखिए तो सुने, अब ये भवन सब देखने में बिल्कुल सुने लग रहे हैं। धाई धाई हमको ब्रज खात, अब तो ये ब्रज दौड़ दौड़ करके ऐसा लगता है कि हमको खा जाएगा, केवल सोना ही नहीं लग रहा है, बहुत भयावह लग रहा है कृष्ण के बिना। धाई धाई हमको ब्रज खात, सारा ब्रज अब लगता है कि हमको दौड़ दौड़ कर खा रहा है। कौन प्रतीति करे मोहन की, जिन छाड़े निज जननीता। अरे सखी, श्री कृष्ण पर कौन विश्वास कर सकता है? अरे और तो और, तो अपने माता पिता को ही छोड़ करके मथुरा चले गए, यशोदा जी और नंद बाबा को ही छोड़ कर चले, निज जननी तात, निज जननी तात, तात माने पिता, अपने अपनी माँ और अपने पिता को छोड़ करके जो चले गए, इतना नमक हराम, कौन विश्वास करेगा इन पर? माँ का भी उपकार नहीं जान पाए। अगर ये हुआ होता कि चलो विवाह हो गया है तो अपनी पत्नी के साथ इधर उधर चले गए, बच्चा है और माँ का स्नेह छोड़ दिया, 11 वर्ष का लड़का और माँ को छोड़कर चला गया, बाप को छोड़कर चला गया, कौन प्रतीति करे, कौन विश्वास करेगा? अनुदिन नयन तपत दर्शन को, हाय हाय, रात दिन अब हमारे नेत्र तड़पते रहते हैं कृष्ण को देखने के लिए। हरद समान देखियत गात, ये हमारा जो शरीर है देखो बिल्कुल हरदी के समान पीला पड़ गया है, कोई खून नहीं रहता शरीर में, जब खून नहीं रहता शरीर पीला पड़ता है। हरद समान, हरद मैंने हल्दी के समान पीला पड़ गया है। सूरदास स्वामी के बिछुड़े ऐसी भई हमारी घात, स्वामी के बिछुड़ने पर हमारी ये दशा है, ये घाव हुआ है, ये दर्द हुआ है, घात मन दर्द पीड़ा हुई। श्याम सुंदर के बिछुड़ने पर इस तरह से हमें हृदय पर धक्का लगा है, बहुत दुख है, शरीर पीला पड़ गया। जो भी बातें मन में आती हैं श्याम सुंदर के प्रति ही मैं बोलती रहती हैं, उन्हीं के बारे में सोचती रहती हूँ। तो श्री राधा रानी कहती हैं, अरे सखी, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जब श्याम सुंदर जा रहे थे उसी समय मैंने बांह क्यों नहीं पकड़ लिया, अगर उस समय पकड़ ली होती तो जा नहीं सकते थे। चलत न माधो की गही बाह है, ये पद है 23 पृष्ठ पर 20वां श्लोक। चलत न माधो की गही बाह, इसी बात का अफसोस है कि चलते समय श्री कृष्ण का हाथ क्यों नहीं हमने पकड़ लिया, नहीं जाने दी होती, रथ से उतार ली होती अकुल जी। इसको गाय, चलत न माधो की गही बाह, यही सूल मन में रह गया कि चलते समय ही बाह पकड़ लेना चाहिए था, अब तो चले गए मथुरा, हम क्या करें। चलत न माधो की गही बाह, चलत न माधो की गही बाह, चलत न माधो की गही बाह, you
मन में यह बात आ रही है कि जब श्याम सुंदर जाने लगे ब्रज छोड़ करके मथुरा के लिए, तो उसी समय क्यों नहीं बाह पकड़ लिया उनका। यद्यपि संभव नहीं था लेकिन वहाँ तो सभी समाज जुटा हुआ था, नंद बाबा थे, अक्रूर जी थे और ब्रज के बड़े लोग थे सब। फिर भी गोपियाँ कह रही हैं कि कुछ भी होता, लोक में इस बात की ख्याति हो जाती, प्रसिद्धि हो जाती कि ये गोपी श्री कृष्ण से अटैच्ड है, ऐसे ऐसे कुछ भी हुआ होता, लेकिन ये दुख तो नहीं देखना पड़ता। श्री कृष्ण तो चले गए, विरह में जो दुख हो रहा है यह दुख सह नहीं हो रहा है सके। उस समय लोग घर से निकाल देते, हमारे बड़े लोग घर से निकाल देते तो वृंदावन में ही रहती और श्री कृष्ण यहीं रहते। गाय चराने जाते तो वन में उनका दर्शन कर लेती, उनको कभी न कभी तो मिलती रहती, लेकिन अब तो वे दूर चले गए, अब इस दुख को किससे कहे। तो बार बार पछताते तब ही ते यह सूल मन माए, यही दुख मन में रह गया, क्यों नहीं श्री कृष्ण की बाह पकड़ ली उसी समय। बाह पकड़ने पर विश्वास है कि श्री कृष्ण गए नहीं होते, या श्री राधा रानी बाह पकड़ी होती तो श्री कृष्ण ही कहते ठीक है छोड़ो छोड़ो लोग देख रहे, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा कह देते, वो स्वयं ही कह देते हैं कि अब नहीं जाऊंगा। तो यह जो दुख हो रहा है श्री कृष्ण के विरह में, उससे अच्छा था कि लोक में बदनामी होती लेकिन श्री कृष्ण यहीं रहते। बार बार नहीं, घर बन कछन सुहाय रैन देन मनहु मृगी दौदाय। अब घर या वन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अपने घर में रहती हूँ तब भी दुखी रहती हूँ और वृंदावन में जाती हूँ, गिरिराज में जाती हूँ, वहाँ भी कृष्ण नहीं है तो उनके बिना सब दुखद लग रहा है। ऐसा जैसे कोई मृगी की दशा हो, मृगी मतलब हरिणी, हरिणी की स्त्री, दोनों तरफ आग लग गई हो, बेचारी फंस गई हो, इधर जाए तब भी जलेगी, उधर जाए तब भी जलेगी, तो घर और वन दोनों मेरे लिए ऐसे हो गए हैं। मैं वन में जाती हूँ तब भी जलन होता है, दुख होते हैं, क्योंकि कृष्ण के साथ में मिलती थी, कृष्ण को देखती थी बांसुरी बजाते हुए, वन में भी नहीं है, घर में भी नहीं है। जैसे दोनों उभयतः आग लगी हो वन में और मृगी बेचारी बीच में फंसी हो, वो दशा हमारी है। मनहु मृगी दव दाह, दव माने दवानल, वन की आग मिटती न तपत बिना घनश्याम ही कोटि घनी घनश्याम। जैसे सूर्य के द्वारा बहुत ताप हो रहा हो, बहुत जलन हो रही हो, तो वो घनश्याम से ही जलन मिट सकते, घना सांवला बादल आकाश में छाए और वर्षा करे तब शीतलता मिलती है, और छोटी छोटी बदरी जिसको घनी कहते हैं, घनी घन छाए, घनी यहाँ घनी का अर्थ है घन बादल को कहते हैं, और घनी माने बदरी, छोटी छोटी बदरी करोड़ों छाए और क्षण भर के लिए छाया करे, चलती जाए तो उससे दाह नहीं मिट सकता है, उससे सूर्य का ताप मिट नहीं सकता है। बादल जब छाए बरसे तब ताप मिटता है, बदरी क्षण भर में आए जाए ऐसे करोड़ों, तो उससे सुख नहीं मिलता, दाह नहीं मिलता है। मिटती न तपत बिना घनश्याम ही कोटि घनी घन छाए, करोड़ों घनी की छाया से ताप नहीं मिटता है, ये तो देखा हुआ है। बिलपत अति पछतात मन ही मन, चंद गहे जनुरा है, विलाप कर रही है, ऐसी दशा हो गई है जैसे चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया हो,
बेचारा चंद्रमा फीका हो जाता है, बिल्कुल प्रकाश नहीं रह जाता है जब राहु उसको निगलता है। तो सूरदास प्रभु दूर सिधारे दुख कहिए कि पाए। सूरदास जी कहते हैं, गोपी कहती है सूरदास जी के शब्दों में, हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर तो दूर चले गए, वो रहते तो कोई भी हमारा दुख सुनते, अब हमारा दुख कौन सुनेगा, किससे कहें, दूर चले गए तो संदेश भी किससे कहें। सूरदास प्रभु दूर सिधारे दुख कहिए कि पाए, किससे अब दुख कहे। यही अफसोस है कि चलते समय ही बाह क्यों नहीं पकड़ ली, चलत न माधो की गही बाह, यही अफसोस। यहीं पर बंद करते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।